जी अस्सलाम वालेकुम। अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 को हम उसका सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में देखें, इट इज़ वेरी वेरी सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 1, जस्ट वैल्यूज इसमें चेंज है, बाकी सेम टू सेम हमारे पास है। हमें ऑलरेडी इक्विटी अकाउंट्स भी उन्होंने दे दिए हैं, और उसके नीचे जो जो हमने इफेक्ट रिकॉर्ड करने हैं वो भी हमने उन्होंने हमें बता दिए क्लियरली। क्वेश्चन में बता रहा है जी, द किंगस्टन फास्टनर कंपनी हैज़ द फॉलोइंग शेयर होल्डर्स इक्विटी अकाउंट्स। कॉमन स्टॉक उन्होंने दे दिया है 2 मिलियन, $8 पार वैल्यू है, तो 2 मिलियन को डिवाइड करेंगे 8 के साथ, तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे। एडिशनल पेड इन कैपिटल है, रिटेन अर्निंग है, टोटल शेयर होल्डर इक्विटी है, करंट मार्केट प्राइस ऑफ द स्टॉक वो हम भी हमें दे दिया $60 पर शेयर। अब उन्होंने नीचे रिक्वायरमेंट है, व्हाट विल हैपन टू द इक्विटी अकाउंट्स, मार्केट प्राइस एंड टू द टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग विद अ 10% स्टॉक डिविडेंड, ए 2-for-1 स्टॉक स्प्लिट एंड 1-for-2 रिवर्स स्प्लिट। तो ये बड़ा इजी क्वेश्चन है, इसको आप हम सोल्यूशन देख लेते हैं। इसमें सेम टू सेम आपने क्या करना है, जिस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था, सेम उसी तरह से आप इसका प्रोसीजर फॉलो करेंगे, जो हम ऑलरेडी रूल्स हम डिफाइन कर चुके हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली हम इसका देख लेते हैं, हमने इसका कैसे सोल्यूशन हमने करना है। नंबर फर्स्ट, जब हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो नंबर फर्स्ट जब हमने स्टॉक डिविडेंड की रिकॉर्डिंग करनी है, तो उसमें हमने नंबर फर्स्ट हमने क्या करनी है, रेशियो कैलकुलेट, स्टॉक डिविडेंड की अमाउंट कैलकुलेट करनी है, ताकि फिर हमें उसकी जो इशू ना रहे। तो जो हमें इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसको हम नोट डाउन करते हैं। पार वैल्यू पर शेयर है $8, मार्केट प्राइस पर शेयर है $60 पर शेयर, तो पार वैल्यू को यूज करेंगे तो हमारे पास न्यू नंबर ऑफ शेयर कॉमन स्टॉक आ जाएगा हमारे पास, तो 2 मिलियन हमारे पास टोटल वैल्यू उनकी ऑलरेडी गिवन थी पेड इन कैपिटल की, उसको हम पार वैल्यू पर शेयर के साथ डिवाइड करेंगे, तो नंबर ऑफ शेयर्स कॉमन स्टॉक जो एग्जिस्टिंग है वो हमारे पास आ जाएंगे 2,50,000। तो अब हमने इसका 10% स्टॉक डिविडेंड पे कर रहे हैं, हम क्या करेंगे इसका 10% ले लेंगे, तो नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे 25,000 नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे विच वी आर पेइंग इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। तो अब हमने इसका इफेक्ट रिकॉर्ड करना है इक्विटी अकाउंट्स पे। ऑलरेडी जो इक्विटी हमारे पास कितनी है 2 मिलियन की, मल्टीप्लाई उसमें हम इफेक्ट रिकॉर्ड करेंगे रिकॉर्डिंग का, हमने हमें ऑलरेडी पता है जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स हम इन द फॉर्म ऑफ स्टॉक डिविडेंड देते हैं, तो उसको हम इशू किस पे करते हैं, मार्केट प्राइस पे, और इशू का इफेक्ट होता है आपका रिटेल अर्निंग पे। और जो आपने क्या कहते हैं कॉमन स्टॉक की जो रिकॉर्डिंग है वो हमने कहाँ पे करनी है, कॉमन स्टॉक में हमने करनी है, पेड इन कैपिटल में हमने करनी है, तो वो हमने किस प्राइस पे करनी है, मार्केट प्राइस हमने करनी है पार वैल्यू पर शेयर पे। तो हम क्या करेंगे 25,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे जो पार वैल्यू पर शेयर है 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और 20,000 में वो हमारा क्या हो जाएगा 2 मिलियन में वो हमारा डायरेक्टली ऐड हो जाएगा, तो 2 लाख प्लस 2 मिलियन, तो 2.2 मिलियन हमारे पास आफ्टर स्टॉक डिविडेंड हमारे पास न्यू कॉमन स्टॉक आ जाएगा। एडिशनल पेड इन कैपिटल कितना हो जाएगा, एडिशनल पेड इन कैपिटल हमने क्या करना होता है, सेकंड इफेक्ट हमने रिकॉर्ड करना होता है हमने रिटेल अर्निंग, तो रिटेल अर्निंग में से हम माइनस हो जाते हैं आपका $60 पर शेयर उसकी वैल्यू है, तो 25,000 हमने शेयर इशू कर रहे हैं, तो अब हमने 25,000 नंबर ऑफ शेयर्स को मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे, तो वो जितनी भी अमाउंट आ जाएगी वो आपकी रिटेल अर्निंग में से माइनस हो जाएगी। तो रिटेल अर्निंग की अगर हम अमाउंट देखें तो रिटेल अर्निंग का अमाउंट है 84 मिलियन 8.4 मिलियन, तो 8.4 मिलियन में से वो माइनस कर देंगे, तो वो हमारे पास आफ्टर स्टॉक डिविडेंड न्यू कितनी वैल्यू आ जाएगी 6.9 मिलियन आ जाएगी आप। तो अब हमारे पास जो इसका डिफरेंस हो जाएगा पावर वैल्यू का और मार्केट प्राइस का वो कितना है 52, तो उसका इफेक्ट हमने कहाँ पे रिकॉर्ड करना होता है एडिशनल पेड इन कैपिटल में। तो ऑलरेडी हमारे पास जितनी भी एडिशनल पेड इन कैपिटल के अमाउंट है उसमें ये फर्दर ऐड हो जाएगा 25,000 मल्टीप्लाई बाय 52, तो आफ्टर स्टॉक डिविडेंड कितना हो जाएगा 2.9 मिलियन हमारे पास एडिशनल पेड इन कैपिटल की अमाउंट आ जाएगी। तो इन सबको हम ऐड करेंगे तो टोटल इन टोटल वो सेम टू सेम ही रहेगा, टोटल हमारे पास 12 मिलियन है, तो वो 12 मिलियन ही रहेगा आपका। अब हमने क्या करना है, नंबर ऑफ शेयर्स हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं कि आफ्टर स्टॉक डिविडेंड कितने नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएंगे, 2,50,000 ऑलरेडी थे, 25,000 उसमें फर्दर ऐड हो जाएंगे, तो 2,75,000 आपके पास क्या आ जाएगी नंबर ऑफ स्टॉक आफ्टर स्टॉक डिविडेंड आ जाएगा। मार्केट प्राइस पर शेयर कैसे कैलकुलेट करने हैं उसका भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। पहले तो एग्जिस्टिंग मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे टोटल नंबर ऑफ शेयर्स की, तो 2,50,000 मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे, तो ये 50 हमारे पास 1.5 मिलियन हमारे पास ऑलरेडी इसकी जो वैल्यू आ जाएगी। अच्छा,
अच्छा, अब हमने क्या करना है, नंबर ऑफ शेयर्स तो बढ़ गए हैं लेकिन टोटल मार्केट वैल्यू सेम टू सेम रहेगी, और पार वैल्यू मार्केट प्राइस पर शेयर हमने ए कैलकुलेट कर लेना है। तो सेम उसी इक्वेशन को हम फॉलो करेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स न्यू हम लेके, तो अब हमारे पास आफ्टर स्टॉक डिविडेंड मार्केट प्राइस कितनी हो जाएगी, 54.5554 हमारे पास डॉलर पर शेयर हमारे पास मार्केट वैल्यू आ जाएगी। सेकंड पार्ट में हम आते हैं, तो सेकंड पार्ट हमारे पास 2-for-1 स्टॉक स्प्लिट है। कि इसका मतलब क्या है कि जिसके पास एक शेयर होगा उसको दो इशू कर दिए जाएंगे, तो इसकी रेशियो कितनी हो जाएगी, 2:1, तो 2 रेशियो आ जाएगी। तो नंबर ऑफ शेयर्स पहले कितने थे, 2,50,000 थे, 2:1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 5 लाख शेयर हो जाएंगे। प्राइस पर शेयर कितनी है, हमारे पास पार वैल्यू पर शेयर कितनी है, ऑलरेडी 8 है, उसके साथ ये रेशियो डिवाइड हो जाएगी, तो हम क्या हमारी क्या आ जाएगी, आपकी 4 आ जाएगी, आपके पास प्राइस जो है पार वैल्यू पर शेयर की आ जाएगी। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 5 लाख करेंगे तो टोटल सेम टू सेम रहेगा, और एडिशनल ट्रेडिंग कैपिटल और रिटेल अर्निंग पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो वो हमारे पास टोटल इक्विटी सेम टू सेम रह जाएगी। मार्केट प्राइस पर शेयर के साथ अगर हम डिवाइड कर दें 2 को, या हम उसकी जो रेशो है 2 को डिवाइड करेंगे तो 1/2 होगा, तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.5 के साथ, तो वो $30 पर शेयर इसकी आफ्टर स्प्लिट मार्केट प्राइस आ जाएगी। थर्ड पार्ट में जाते हैं, रिवर्स स्प्लिट है, सॉरी यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक है, 1/2 रिवर्स स्प्लिट है। तो 1/2 का मतलब क्या होता है कि इसकी अब रेशो हो जाएगी 1/2, तो 1/2 के साथ हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ शेयर्स को, तो ये आफ्टर स्प्लिट कितने हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे, जिसके पास 2 शेयर है उसको हमने 1 शेयर इशू कर देना है। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं इसी रेशो के साथ, हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, तो हम क्या आ जाएगी, 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी आफ्टर स्प्लिट रिवर्स स्प्लिट न्यू पार वैल्यू कितनी आ जाएगी, आपकी 16 हो जाएगी। तो हम 16 मल्टीप्लाई बाय 1,25,000 हम करेंगे तो वो टोटल सेम टू सेम रहेगा। तो आफ्टर स्प्लिट प्राइस कितनी हो जाएगी, वो आप रेशो को फिर मल्टीप्लाई कर देते हो, डिवाइड कर देते हैं, तो रेशो कितनी है हमारे पास ऑलरेडी 1/2 है, तो 1/2 को अगर हम मल्टीप्लीकेशन में लेके जाते हैं तो वो 2/1 हो जाएगी, तो आफ्टर जो रिवर्स स्प्लिट क्या हो जाएगी, आपकी प्राइस $120 पर शेयर आपकी स्प्लिट प्राइस हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका था 4, इसका सोल्यूशन था।